बिजली महकमा हाय हाय, बिजली महकमा हाय हाय, बिजली महकमा हाय हाय, बिजली महकमा हाय हाय। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े दुख की बात है, जब मैं यहाँ आया तो ये सुना, बच्चों ने भी शोर किया, बड़ों ने भी कहा कि भाई देखो आज हमारे कितने दिन से यह मल्ला डमाला अड़ी मर्दान शाह पंचायत में बिजली का ये हालत है कि कोई भी पखा, कोई भी ऐसी हालत है बिजली की इस दौर में, जो दौर ऐसा दौर है कि हिंदुस्तान में मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, लेकिन अफसोस के बाद साथ ये रोना पड़ रहा है कि देखो ये हमारा पंचायत अड़ी मर्दान शाह की बात है, मल्ला डुमाला में जब मैं यहाँ से गुजरा तो बच्चों भी रोने लगे कि यहाँ बिजली की ये हालत है कि अरसा 3 साल से महकमा ने, पंचायत ने, सब ने कहा कि हमने ट्रांसफार्म रखा हुआ है मल्ले के लिए, लेकिन जब नाम डमाल मल्ला का आता है तो काट दिया जाता है। बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। मैं इसे खासकर एलजी साहब से, खासकर डीसी साहब से ये अपील करता हूँ कि अगर मल्ला क्यों काटा जाता है यहाँ का ट्रांसफार्मर, मैं ये जनाब से पूछना चाहता हूँ, खासकर महकमा से पूछना चाहता हूँ कि महकमा वालों, आपको बार बार पंचायत वालों ने यहाँ ट्रांसफार्मर रखा, बहुत बार रखा, मैंने सुना कि हर बार यहाँ ट्रांसफार्म रखा जाता है, लेकिन जब मौका आता है तो यहाँ पर ट्रांसफार्म काट दिया जाता है। उसकी वजह क्या है? ये हिंदुस्तान के वासी नहीं है। बड़े दुख के साथ ये मैं कहना पड़ता है, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब महकमा पीडीडी ये कान खोल कर सुन ले, ये लोग जो मल्ला डमाला पिछड़ा हुआ इलाका है, मर्दान शाह पंचायत में सबसे दूर दराज का इलाका है, ये पूरे लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं इसके लिए अगर ये ट्रांसफार्मर में, खासकर अपने ए साहब डी साहब से ये अपील करता हूँ कि ये अगर 2-4-5 दिन में ये काम नहीं हुआ तो ये लोग सब कुड़ियाँ, लड़कियाँ और मर्द सब ये मैदान में निकलेंगे और रोड ब्लॉक करेंगे। भाइयों बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, ये गरीब लोग हैं और ये रो रहे हैं, इनके बच्चे रो रहे हैं। मैं खासकर बिलखसूस डीसी साहब से ये अपील करता हूँ, जनाब इस वक्त मोदी सरकार ने इतना पैसा दिया हुआ है पंचायतों के लिए कि कहने की बात नहीं, लेकिन अफसोस के पैसा यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। मैं फिर एक बार अपील करता हूँ, इन लोगों की वसादत से अपील करता हूँ, ये मोहल्ला देखो, ये लोग यहाँ के देखो, ये घर देखो, यहाँ एक किस्म का यहाँ सिटी का निजाम है, लेकिन आज तक यहाँ ट्रांसफार्म नहीं मिल रहा है। तो मैं जनाब से ये अपील करता हूँ, एक बार फिर मैं अपील करता हूँ कि जनाब डीसी साहब, जनाब डी साहब, जनाब ए साहब और जे साहब जो भी है इस महकमा में, आज आपको फिर एक बार हम टाइम दे रहे हैं कि कुछ दिनों के अंदर अंदर यहाँ ट्रांसफार्मर आना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर पंचायत ने रखा था, जो बीडीसी ने रखा था, जो डीडीसी ने रखा था, जो भी है, मल्ला डमाला है तो इसमें क्या जुर्म है? डमालों के लिए जब नाम आता है तो क्यों काट दिया जाता है? मैं इसी पर इत्तफाक करना चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।